मेरा नाम सोनू चौरसिया है, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर, और काफ़ी सारे लोग मेरे जिम में आते हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है। तो उनमें से एक नगमा भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली म्यूज़िक वीडियो किया है और काफ़ी वक्त से काफ़ी मेहनत कर रही हैं अपनी बॉडी को लेके, अपने करियर को बनाने के लिए। सो फाइनली समथिंग इज़ हैपनिंग, सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाँ तो कौन कौन सेलिब्रिटी है जिसको आपने मैंने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया है, अजय सर हैं, सैफ को ट्रेन किया टशन के लिए, शाहिद को किया है फिदा के लिए, और अध्ययन सुमन है, शेखर सुमन है, उनके म्यूज़िक वीडियो के लिए उनको मैंने ट्रेन किया है, आशुतोष राणा जी उनको ट्रेन किया हुआ है, आर्य बब्बर हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, सिद्धार्थ शुक्ला है, जय भानुशाली हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे यहाँ पे। सो बिल्कुल मेरा हाथ है, लेकिन वो जब भी संभव हो पाता है जब उनकी भी अप्रोच वैसी है और वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉट सिंगल एक आदमी का एफर्ट नहीं है, इसमें दो लोगों की एफर्ट ज़रूरी है, मतलब वो भी मेरी बात सुनेंगे तभी उनको फ़ायदा होगा, मैं अकेले मेहनत करूँगा तो नहीं होगा। तो ये दो लोगों का एफर्ट है, जब दो लोग चाहते हैं कि नहीं हम फिट रहना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो वो तभी शेप करता है, अदरवाइज सिंगल साइड आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड दे आर ऑल्सो गिविंग देयर बेस्ट, इसलिए आपको इतना अच्छा सब कुछ दिखता है टेलीविजन पे, वो लोग इतने खूबसूरत दिखते हैं, फिट बॉडी रहती है, तो वो इट्स अ डबल एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड। गुरु का कहीं ना कहीं किरदार होता है और बहुत बड़ा एक अहम बताते हैं माँ बाप के बाद में, गुरु वो किसी भी चीज़ का गुरु हो सकता है। बिल्कुल, तो कितना वो सम्मान देते हैं आपको जब आप कुछ उसके बारे में बताएंगे। देखिए दुनिया में सबसे बात मानते हैं, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ रिस्पेक्ट ही है, और रिस्पेक्ट आप जब भी अर्न कर सकते हैं जब आप लोगों को वो रिस्पेक्ट दें, तो वो ये भी दोनों तरफ का गेम है कि आप नमस्कार को चमत्कार बोलते हैं, तो जैसा नमस्कार में ही सारा चमत्कार है, तो आपका जो काम है वो आपकी रिस्पेक्ट है, आप अपने काम की रिस्पेक्ट करिए, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको भी बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी उनको उनके आकार में ढालने के लिए, जैसे नगमा जी को आपने कितना वेट कम किया, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि मेहनत ये दो तरफा है, जब इन्होंने मन में ठाना कि मुझे फिट होना है तो मैंने सिर्फ दिशा दे दिया उस चीज़ को, आप किसी चीज़ को दिशा देंगे तो वो बराबर उस जगह पर पहुँच जाएगी, तो इन्होंने जब ठाना मन में तो मैंने उनको दिशा दे दी कि भाई इस तरह से करना है और तभी संभव हो पाएगा, तो इन्होंने वैसा किया और अचीव कर लिया इन्होंने। सो जस्ट अ थॉट, छोटी चीज़ है, सिर्फ माइंड को कन्विंस करना पड़ता है आपको करने के लिए। कितना लकी मानती हैं आप अपने आप को, इतने बड़े ट्रेनर हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग देते हैं, तो कितना लकी मानती हैं आप? मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी और बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि ये एक सेलिब्रिटी ट्रेनर है, इतने लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं और ट्रेन कर रहे हैं, और कितने लोग सोचते होंगे कि काश हमें ऐसा ट्रेनर मिल जाए, ऐसे गुरु मिल जाए जिनके अंडर हम वो बॉडी पाँच सके जिसके लिए हम ड्रीम करते हैं। तो फाइनली मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे ये जो मुझे मिली है आज, जो मैं बहुत बड़ा दान समझती हूँ, ये इनकी वजह से मिली है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने मोटिवेट किया है, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाना जंक फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मच्छी चिकन, बट इन्होंने मुझे इस तरीके से मोटिवेट किया कि मैं मजबूर हो गई कि चलो यार चावल वावल पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, अभी अपने बॉडी को लेके सोचना है। और सबसे बड़ी बात इनमें यह है कि इन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी जो बॉडी होती है ये हमारी टेम्पल है, आप इसे मस्जिद कहो या मंदिर कहो, तो अगर हम इससे प्यार नहीं करेंगे तो लोग हमसे कैसे प्यार करेंगे। तो इन्होंने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया है, मुझे मोटिवेट किया है, और जो नगमा आज आपके सामने है, 35 किलो मैंने कम किया है इनके वजह से, तो कम से कम 6 से 1 साल के अंदर मैंने 35 किलोस कम किया है, एंड दैट क्रेडिट गोज टू हिम। थैंक यू सो मच। सेलिब्रिटी के भी अलावा बहुत आम लोग जो होते हैं उनके लिए भी सेहत बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, लोग एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ को देख के इंस्पायर होते हैं, और हर एक बंदा जो है वो एक फ़र्क होता है इच्छा और लक्ष्य में, कि मेरी इच्छा है फिट होना और किसी का लक्ष्य है बॉडी बनाना, तो इच्छा तो सब करते हैं, लेकिन जब उसको आप लक्ष्य बना लोगे तो वो आप पालोगे। इच्छा मर सकती है, ख़त्म हो सकती है कि इच्छा नहीं है यार, पर लक्ष्य आपने बना लिया तो लक्ष्य को तो इंसान पाता है, तो इन्होंने वो लक्ष्य की तैयारी की और लक्ष्य पा लिया। खाने पीने पर हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत ये
बहुत सबसे कठिन काम होता है। नहीं, खाने पीने का कंट्रोल जो आप बोल रहे हैं वो कंट्रोल नहीं है, इट्स एक्चुअली बैलेंस। आपको जो खाना है आप खाइए, लेकिन ज़्यादा मत खाइए। आप सब खा सकते हैं दाल चावल, पर हम लोग जिस तरह से खाते हैं ना वो गलत है। तो उसका पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने पोर्शन में खा रहे हैं। और आप जो आप खाना खाते हैं खाइए, पर जो इतना हैवी कैलोरीज का खाना है आप दिन में खाइए, वो धीरे धीरे असर करके आप उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने खाने को, तो भी असर करेगा आपको। पर जो गलतियाँ लोग मेजरली करते हैं वो एक साथ सारा खाना खा लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो वही थोड़ा सा ट्यून किया मैंने इनको, तो इन्होंने वो हैबिट चेंज किया और सारी चीज़ संभव हो गई। चलते चलते आखिरी क्वेश्चन हमारे दर्शकों के लिए कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, सेहत सबसे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। सबसे बड़ा जो आय है हमारे ज़िंदगी का वो व्यायाम है। व्यायाम क्यों बोलते हैं? व्यायाम, जब आप अपने शरीर की ऊर्जा का व्यय करते हैं और उससे जो आपको आय होती है वो आपका व्यायाम है। तो ये व्यायाम का रियल मीनिंग है कि आप ऊर्जा को सही जगह लगाइए और शरीर को पाइए। तो व्यायाम का जो मतलब है वो ये है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं तो आपको सही उसका रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। ओके, थैंक यू। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।